हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महिंद्रा का आप लोग मैक्सी ट्रक प्लस। केवल केवल आप लोग 80,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके लेके आ सकते हो, जो कि कुछ कुछ बलैरो की शेप का आप लोग को दिखाई देता है। बात करें इसके की स्पेस की, तो की स्पेस के हम लोग फीचर पे चलते हैं। तो आप लोग को देखो 17 का माइलेज देखने को मिलेगा और इसमें 2500 cc तक का इसमें इंजन लगा हुआ है। और BHP हार्ड पावर की बात करी था तो 68 की आप लोग को देखने को मिलेगा। जो इसका ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा तो मैनुअल देखने को मिलेगा। आपको 2 सीटें यहाँ पे मिलेंगी। अब बात करी जाए इसके एक्स शोरूम प्राइस की और टॉप मॉडल की, तो यहाँ पे आप लोग ये डीजल और CNG दो वेरिएंट में देखने को मिलता है। जिसमें भी आप लोग को लेना उसमें आप लोग ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे CNG सेलेक्ट कर ले डीजल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उठाया है महिंद्रा बलेरो मैक्सी ट्रक प्लस CVC PC1.2 डीजल बेस मॉडल। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो पड़ रहा है 7,49,000 रुपये का, और जो RTO चार्जेस पड़ रहे हैं वो 68,410 रुपये। जो RTO चार्जेस होते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। जो हमने RTO चार्जेस लिए हैं वो मैंने न्यू दिल्ली के लिए हैं। और इंश्योरेंस की बात करी जाए तो आप लोग को 58,106 रुपये देने पड़ेंगे, तब जा करके जो न्यू दिल्ली के हिसाब से जो ऑन रोड प्राइस बनेगा वो बनेगा जा करके 8,74,516 रुपये। अब बात करी जाए इसके टॉप मॉडल की, तो टॉप मॉडल आता है महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस CNG PC। तो ये आप लोग का सबसे अच्छा, ये CNG का बेस मॉडल है। टॉप मॉडल ये रहा, ये डीजल में आप लोग को टॉप मॉडल देखने को मिलता है महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक PC 1.2 डीजल टॉप मॉडल। वो आप लोग को 8,88,059 रुपये का पड़ रहा है। तो कुछ ही ज़्यादा, कुछ हज़ार रुपए आप लोग को ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब 6-7 हज़ार रुपये आप लोग को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो आप लोग को टॉप मॉडल मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर हम लोग इनके बेस मॉडल से अगर बात करी जाए, तो अगर आप 74,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके 74,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर देते हो और 8,00,000 रुपये का फाइनेंस करवाते हो, तो देखो जितनी ज़्यादा आप लोग फाइनेंस करवा जितना ज़्यादा आप लोग डाउन पेमेंट करोगे उतना कम आप लोग को फाइनेंस करवाना पड़ेगा। तो बट भी तब हम लोग तब भी देख लेते हैं, अगर हम 74,000 का डाउन पेमेंट कर देते हैं और 8,00,000 का कार लोन लेंगे, वो भी सीधे जितने साल के लिए, 5 सालों के लिए 4 सालों के लिए लेके देखते हैं, तो हम लोग का वो क्या बनेगा। तो ये हम आ चुके हैं EMI कैलकुलेटर पर। अब इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग भी अपनी मंथली EMI और लोन की प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जैसे आप लोग को बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग को कार लोन चाहिए तो हमने कार लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब लोन अमाउंट की बात करी जाए तो यहाँ पे 11,00,000 पड़ा, कुछ रैंडम अमाउंट पड़ा रहता है, तो आप लोग को अपना अमाउंट डाल देना। मैंने 8,00,000 अपना अमाउंट डाल दिया। अब इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए, जो इंटरेस्ट रेट है उसकी बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम पड़ा हुआ है, तो हम लोग अपना अलग अलग बैंक का देख सकते हैं। अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का 740% से और SBI का 745% से चल रहा है, तो हम लोग SBI का ले लेते हैं। तो SBI का देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से पड़ा हुआ है 745, नहीं तो आप लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे आपको डालना 745, तो हमने डाल दिया। अब हम 8,00,000 का जो कार लोन ले रहे हैं वो हम सीधे पहले 4 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपकी मंथली किस्त जाएगी वो 19,324 रुपये जाएगी। अगर इसी जगह और जो 8,00,000 का अमाउंट 4 सालों के लिए लेंगे, तो आप लोग का जो उसमें टोटल इंटरेस्ट जा रहा था 1,37,000 रुपये जा रहा है। अगर यही अमाउंट हमने, जैसे हम 1,70,000 की डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं, तो हम लोग देखो 7,00,000 का कार लोन लेंगे, तो 7,00,000 का जब कार लोन लेंगे तो देख सकते हैं जो टोटल इंटरेस्ट है वो बहुत, हम लोग को सीधे सीधे जहाँ 27,000 देना पड़ रहा था कहाँ 11,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं 16-17,000 आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर यही अगर आप 3 सालों के लिए कर देते हो, देखो आपको लोन तो देना है लेकिन जो ये टोटल इंटरेस्ट लग रहा है ये बैंक का बेनिफिट है, इसमें आप लोग का बेनिफिट हो जाएगा। तो आप लोग की जो मंथली किस्त है वो तो बढ़ जाएगी, बट जो टोटल इंटरेस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कम हो गया। कहाँ 1,27,000 लग रहा था, अब आपको 80,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आप लोग सीधे सीधे बचा रहे हो 50,000 रुपये, बहुत अगर नॉर्मल मानोगे तो 50,000 रुपये आप लोग सीधे सीधे बचा रहे हो। तो टोटल पेमेंट आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 7,83,298 रुपये। और जो अगर आप यहाँ पे शेड्यूल सेट कर देते हो, जैसे आपकी अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई से अगर आप सेट कर देते हो तो उस हिसाब से आप लोग का पूरा शेड्यूल सेट हो जाएगा जितने साल के लिए आप लोग कार लोन ले रहे होंगे। तो इसमें आप लोग को पूरा मंथ वाइज 2022 के प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टोटल पेमेंट और पूरा मंथ वाइज भी आप लोग को क्लियर हो जाता है, जिसको आप प्रिंट करवा करके बैंक में लगाएंगे तो और जल्दी लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो इसका आपको ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे जा करके आप लोग भी आसानी से अपना मंथली EMI कैलकुलेट कर लें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप जानते हैं कि
ये जैसे 8 लाख का आप कार लोन ले रहे हो 5 सालों के लिए, तो मिनिमम इंटरेस्ट से अगर आप ले रहे हो 5 सालों के लिए 8 लाख का अमाउंट 7.20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोग की जो मंथली किस्त जाएगी 15,916 रुपये जाएगी, 15,916 रुपये जाएगी। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा उसी जगह लेते हो 7.40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप लोग की 15,992 रुपये जाएगी। और 7.45% से अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया 16,011 रुपये जा रही थी। और स्टेट बैंक से अगर आप लेते हैं तो भी उसका ही सेम रहेगा 7.45% है। और ICICI बैंक से अगर 7.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हो तो अगर 16,049 रुपये जाएगी। अगर आप फेडरल बैंक से लेते हो 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो आपकी 16,221 रुपये जाएगी। अगर बैंक ऑफ इंडिया से लेते हो 8% से तो आपकी सेम जाएगी। सबसे देखो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आप लोग को IDBI बैंक का देखने को मिलेगा जो 9% से आप लोग को कार लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें आप लोग की जो मंथली किस्त जाएगी वो 16,606 रुपये जाएगी। तो मैंने आप लोग को हर ईयर के बारे में बताया, और जो ईयर आपको बच गया हो तो आप लोग यहाँ पे मंथली EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जा करके आप लोग खुद से अपना मंथली EMI कैलकुलेट करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।